दोस्तों अगर आप भी अपने SBI की पासबुक पर एंट्री करवाना चाहते हैं तो आपको कैसे एंट्री करनी है मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा और लाइव डेमो दिखा रहा हूं। अभी मैं यहां पर जो है एंट्री मशीन में हूं जिसपे आप जो है पासबुक पर एंट्री कर सकते हो। और यार गाइस आप एक चीज भूल जाते हो, वीडियो को लाइक करना, तो यार फटाफट से एक लाइक जरूर कर दो। तो बहुत ईजी है गाइस एंट्री करवाना। तो चलिए मैं अभी थोड़ा सा आगे आने को बोलूंगा कैमरामैन को। तो अभी आप देखो गाइस कि ये मशीन है जिसको हम बोलते हैं पासबुक प्रिंट मशीन। और यहाँ पर गाइज आपको करना ये है कि सबसे पहले स्क्रीन आपको दिखेगी, यहाँ पर बोलेगा कि आपको अपनी भाषा को सेलेक्ट करना है। तो सिंपल है, आपको अपनी हिंदी इंग्लिश में जो भी आपकी लैंग्वेज है आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जैसे हमने इंग्लिश किया, अब यहाँ पर एक टाइमर चलेगा 20 सेकेंड का, इससे आपको ध्यान रखना है 20 सेकेंड में आपको ये काम करना है। तो अभी आपको करना यह है कि जो भी आपकी पासबुक का ब्लैंक पेज है यानी कि जहां तक अभी एंट्री हो चुकी है उसके बाद का यहां पर आपको पेज इस तरीके से लगाना है। यहां पर देखिएगा, बहुत ही सिंपल है गाइस, आप लगा लेंगे। मैं थोड़ा कैमरामैन को बोलूंगा आगे आने को। अभी आप गाइस देखो यहां पर एंट्री चल रही है और ऑटोमेटिक मशीन यहां पर उस पर प्रिंट करेगी। और यहां पर देखिए अभी थोड़ा सा आप प्रोसेसिंग करेंगे, यहां पर आप देखो। और यहां पर कैमरामैन को थोड़ा बैक जाने को बोलूंगा। अभी आप देखो गाइस यहाँ पर हमारा पासबुक प्रिंट कंटिन्यू हो रहा है और यहाँ पर आवाज़ भी आएगी। थोड़ा आपको वेट करना है, आपका नाम यहाँ पर शो हो जाएगा। और अभी यहाँ पर हम इस पेज को प्रिंट होने देते हैं। और यहाँ पर टोटल दिखा रहा है 5 पेजेस हैं, तो अभी यहाँ पर एक पेज पे हो चुका है। अब आपको चेंज करना है और याद रखिएगा आपको 20-20 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो इसी तरीके से जैसे आपका एक पेज हो गया, फिर आपको दूसरा पेज यहाँ पर इस तरीके से लगाना है जिस तरीके से आप लगाएंगे ये, और आपका जो है दूसरे पेज पर भी एंट्री होना स्टार्ट हो जाएगा। तो बस बहुत ही इजी है, जब आपका पूरा एंट्री हो जाए तो उसके बाद आप एग्जिट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमेशा कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को यार सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस करके रखिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी आप हमारी वीडियो देखें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए सबसे पहले। तो गाइज अभी मेरी पासबुक पूरी खत्म हो चुकी है यानी कि एंट्री खत्म हो चुकी है। तो अब हम करेंगे ये कि जब भी आपको अब नहीं करनी है पासबुक पे एंट्री तो ये टाइमर के बाद ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो अभी आप देखो ये टाइमर चल रहा है, जैसे ये टाइमिंग खत्म हो जाएगा उसके बाद ये जो है ऑटोमेटिकली ये कैंसिल हो जाएगा जितना भी आपने पासबुक पे एंट्री किया हुआ था। अब आप देखो कि इजीली आपका जो है पासबुक पे एंट्री हो चुका है। तो गाइज कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और गाइज अगर आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो भी आप कमेंट जरूर करना।